आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 है, जिग द फिक्सचर। काइंडली कर्सर को फॉलो करते जाइएगा। इसके अंदर, इस चैप्टर में, टूल एंड बोल्ट के जो चैप्टर 1 है, इसके अंदर हम लोग जिग्स को स्टडी करेंगे, फिक्सचर्स को स्टडी करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इनकी डिजाइनिंग की तरफ आएंगे, ठीक है, जो कि समवट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पोर्शन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन टूल्स। प्रोडक्शन टूल्स क्या होते हैं? ऐसे टूल जो कि पैदावार सलाहियत को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। आपके इंडस्ट्री में जितने भी टूल इस्तेमाल हो रहे हैं, फैक्ट्रीज में जितने टूल इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल टूल्स, वो सारे क्या हैं? प्रोडक्शन टूल्स, जो कि पैदावार सलाहियत को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दो मेजर जो प्रोडक्शन टूल्स हैं वो हैं जिग और फिक्सर। जिग क्या होती है? ऐसे प्रोडक्शन टूल्स जो कि वर्क पीस को, कर्सर को फॉलो करते रहिएगा, ऐसे प्रोडक्शन टूल्स जो कि वर्क पीस को होल्ड भी करते हैं और टूल की रहनुमाई भी करते हैं। ये आपने वर्क पीस को होल्ड किया हुआ है जिग के अंदर और ये टूल की रहनुमाई भी कर रहा है। टूल सिर्फ इसी एक पोर्शन से अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। टूल इधर से भी इसमें ऑपरेशन नहीं कर सकता, इधर से भी किसी और डायरेक्शन से इसमें ऑपरेशन नहीं कर सकता, जो कि एक सिर्फ इसे स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है, उसी डायरेक्शन से ये जो टूल है इसमें अपना जो ऑपरेशन है, टूलिंग है, वो करेगा। तो इससे हम लोग, इस प्रोडक्शन टूल को हम लोग जिग कहते हैं, जो कि वर्क पीस को होल्ड भी करते हैं और टूल की रहनुमाई भी करते हैं। फिर फिक्सचर्स। फिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्शन टूल जो कि वर्क पीस को होल्ड तो करते हैं लेकिन टूल की रैन में नहीं करते। जिस तरह ये है, इस फिक्सचर ने वर्क पीस को होल्ड तो किया हुआ है, ये वर्क पीस है, होल्ड किया हुआ है लेकिन टूल की रैन में नहीं कर रहा। टूल आप लोग इधर से भी इस्तेमाल कर सकते हो, इधर से किसी भी डायरेक्शन से आप लोग टूल इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फिक्सचर है। फिक्सचर के आप लोगों को एक सिंपल से मैं एग्जाम्पल दूँ, जो आपके चक के हैं या जो आपकी टेबल वाइसेज हैं, ठीक है। टेबल वाइसेज में आप लोगों का काम क्या होता है? सिर्फ वर्क पीस को होल्ड करना है। टूल को आप किसी भी डायरेक्शन से उसमें काम करवा सकते हो, टूलिंग करवा सकते हो, या जो भी आपका ऑपरेशन है वो आप लोग ऑपरेशन उस पर कर सकते हो, ठीक है। फिक्सचर का सिर्फ काम वर्क पीस को होल्ड करना होता है, जबकि जो जिग है वो टूल की रन में भी करते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस, सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि जो जिग है वो वर्क पीस को पकड़ने के साथ साथ टूल के रैन में भी करती है, जबकि जो फिक्सचर है वो सिर्फ वर्क पीस को होल्ड करते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि जिग को वर्क टेबल पे फिक्स करना जरूरी नहीं होता, जबकि जो फिक्सचर है उसे वर्क टेबल पे फिक्स करना जरूरी है, ठीक है। चक है, चक को आपने मशीन के साथ फिक्स करना जरूरी है। आपकी वाइसेज हैं, टेबल वाइसेज, टेबल के साथ फिक्स करना जरूरी है, जबकि जो जिग है, जिग को आप उठा के किसी भी जगह रख सकते हो। जिग में मोस्टली आपने मिलिंग और ड्रिलिंग के ऑपरेशन करने हैं। आपके पास एक हैंड ड्रिल है, ठीक है, ये जिग है, इसे उठा के आप कहीं भी रख लो, वर्क पीस को इंसर्ट करो और ड्रिलिंग का ऑपरेशन करते जाओ। इसके लिए इसे फिक्स करना पूरे जिग को आपके लिए जरूरी नहीं है, जबकि जो फिक्सचर है उसे फिक्स करना जरूरी होता है। जो जिग है वो ड्रिलिंग और बोरिंग मशीनों पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि जो फिक्सचर है वो मिलिंग, ग्राइंडिंग, शेपर, हर तरह की मशीनों पे, मोस्टली तरह की मशीनों पे इस्तेमाल होती है। अब जो शेपर मशीन है, आप लोगों ने वर्कशॉप में देखी भी होगी, उधर जो फिक्सचर है उससे क्या आप लोग हो गए शेपिंग फिक्सचर, ठीक है। उसका काम क्या है कि वर्क पीस को होल्ड करना। फिर क्या है कि जो जिग है, जिग की मदद से आप लोग बोरिंग और काउंटर सिंकिंग करते हो, जबकि जो फिक्सचर है उससे आप लोग मिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग और बाकी ऑपरेशन, ड्राइंग वगैरह इजली कर सकते हो। फिर क्या है कि जो जिग है वो सिर्फ मियारी टूल के लिए इस्तेमाल होती है। ये थोड़ा समझने की बात है। मियारी टूल मीन्स स्टैंडर्ड टूल। स्टैंडर्ड मतलब कि एक स्पेसिफिक साइज के टूल्स हो, ठीक है। दोबारा इसे रीड आउट कर लो। जिग सिर्फ
सिर्फ म्यारी टूल के लिए कारआमद है। इसी एग्जांपल को देखो, इसमें आप लोग लेट से ये जो ड्रिल है इसका जो साइज है वो 6 mm है। आप लोग इसमें 8 mm, 12 mm, 16 mm इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लोगों ने इसमें सिर्फ 6 mm ही इस्तेमाल करना है, या इवन आप लोग इसमें 2 mm भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर 2 mm इस्तेमाल करोगे तो मे बी आपकी ड्रिलिंग इस जगह हो जाएगी या इस जगह हो जाएगी, ठीक है, जो आपका डिजायर्ड पॉइंट है उस जगह में भी आपकी ड्रिलिंग ना हो। तो जिग के लिए आप लोगों ने स्टैंडर्ड टूल इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है, मतलब कि एक स्पेसिफिक साइज के, साइज अगर बड़ा या छोटा हो जाए तो वो आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते जिग में। जबकि जो फिक्सचर है उसमें आप किसी भी स्टैंडर्ड साइज या किसी भी साइज का टूल इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा टेबल वाइज के साथ आपने कोई वर्कपीस लगाया, आप लोगों का जो डिजायर है वो ये है कि उसके अंदर आपने ड्रिलिंग करनी है, लेट से उसमें आप लोग 3 mm, 2 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, जो आपका दिल करता है या जो आपकी डिजायर है, ठीक है, या रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप लोग उसमें काम कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में ये था कि जिग क्या होती है, प्रोडक्शन टूल्स क्या हैं, फिक्सचर क्या हैं। प्रोडक्शन टूल ऐसे टूल जो कि पैदावार सलाहियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिग ऐसे प्रोडक्शन टूल्स जो वर्कपीस को होल्ड करते हैं और टूल की रैन में भी करते हैं। फिक्सचर वो प्रोडक्शन टूल होते हैं जो सिर्फ वर्कपीस को होल्ड करते हैं लेकिन टूल की रैन में ही नहीं करते हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 था, टॉपिक नंबर 1। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो आप लोग काइंडली पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।